बार जोर हो चुके हो बार एक बार ओए तमीज से खा दूंगी अभी। पैसे हाथ हटाओ पहले तो हाथ कैसे लगा रहे हो अरे पैसे दे पैसे कहां है भाई हाथ कैसे लगा रहे हो आपको चार बार समझा चुकी हूँ हाथ मत लगाओ क्यों चार बार शेर नहीं है क्या तू तेरे घर वालों को अभी फोन करता हूँ इस औरत को मैं लगाना लगा लो इस औरत को मैं नहीं रखना चाहता अरे भाई नहीं रखना ना रखो चलो पीछे के पल तो पीछे के बाद तेरी अरे यार पैसे कहाँ रख दिए मैंने यार अरे भैया भाभी बिल्कुल चोर हो चुकी है यहाँ से पैसे उठा के अंदर ले गई जो आप ढूंढ रहे हो अभी तक क्या बकवास कर रहा है पैसे तू अरे मैं घंटे से परेशान हो रहा हूँ क्या तू मेरे पैसे अंदर लेकर गई चोरनी अभी तो आपने निकाले यहाँ से क्या चोर हो चुके हो बाहर एक बार ओए तमीज से खा दूंगी अभी समझ में आ गई ना यहाँ बन रहे हैं यहाँ पे क्या बोल रहा तू एक मिनट अपने पैसे चुराए पैसे कहाँ हैं पैसे हाथ हटाओ पहले तो हाथ कैसे लगा रहे हो अरे पैसे दे पैसे कहाँ हैं भाई हाथ कैसे लगा रहे हो ये तू क्या कर रही है तू आजकल लूंगी कभी 3000 चोरी कर रही है कभी 4000 चोरी कर रही है लूंगी क्या करोगे अभी 3000 चोरी करती है कभी 5000 चोरी करती है हेलो हाँ आपको चार बार समझा चुकी हूँ हाथ मत लगाओ क्यों चार बार शेर नहीं है क्या तू शेर नहीं है क्या तू उठाए ये रे पैसे तेरे घर वालों को अभी फोन करता हूँ इस औरत को मैं लगाना लगा लो इस औरत को मैं नहीं रखना चाहता अरे भाई नहीं रखना ना रखो चलो पीछे के पल तो पीछे के बाद तेरी तमीज नहीं है क्या है अरे सिलवटे पटे इसको सही कर रहा हूँ मैं दीपिका हट जा इसको सही कर रहा हूँ आ जाओ चल कोई बात नहीं तेरे पैसे मेरे पैसे लेकिन ये पैसे किसी और के पैसे आओ तो दोस्तों ये पैसे जो हैं हमने आपको जुबान दी थी कि भाई किसी की मदद की जाएगी किसी का ऑपरेशन करवाया जाएगा किसी का इलाज कराया जाएगा तो ये सारे के सारे पैसे उन भैया के हैं जो कि आपने डोनेट किए हैं गाइज ये वही पैसे हैं जो भैया को सिर्फ उसके लिए चाहिए थे उसके बाद उनके मदर जो हैं वो अपनी किडनी जो उनको दे ही रहे हैं डोनर तो हैं ही आंटी तो अभी वो पता इनकी मदर दे रही थी ना हाँ, भैया की आंटी आज मदर्स डे भी है क्या बात है क्या बात हाँ, है मम्मी आपसे वीडियो कॉल पे बात भी करना चाहती है अरे बात करेंगे बिल्कुल भैया तो ये वही भैया जो मैंने बताया था कि पूरी बॉडी में करंट है हाथ में करंट अगर हाथ लगाओगे तो स्पेस में करंट है ये देखिए जी मशीन डली हुई है और दोबारा आपको बता दे डायलिसिस है ना जो नए लोग इसके लिए पैसा जो इनको चाहिए था इनके फुल आपने आप सबकी मदद से पहले सन्नी ने कुछ कर दिया कुछ अब आपने कर दिया तो उनकी डायलिसिस अब कंप्लीट हो जाएगी और फिर उसके बाद किडनी लगने के बाद मतलब किडनी लगती है ना जाती है पेट में हमने आपसे एक रिक्वेस्ट करी थी कि जो भी पैसा एक्स्ट्रा आएगा तो वो बाकी लोगों के इलाज में लग जाएगा जी हाँ दोस्तों पैसा एक्स्ट्रा आया है ये तो जा रहा है भैया के पास लेकिन कुछ जो एक्स्ट्रा पैसा आया वो जो विकलांग भैया है जिनको स्कूटी चाहिए वो आ रही है उनके लिए आ रही है स्कूटी सो गाइस मैंने बोला था ना कि बहुत सारे लोग इस दुनिया में हैं जो दिल से मदद करना चाहते हैं थैंक यू सो मच हमारी मतलब हम अगर जरिया है ना हमें इतनी खुशी हो रही है कि हमारी वजह से किसी का कोई काम बन पा रहा है तो इससे बड़ी कोई चीज नहीं हो सकती इसीलिए वीडियो को शेयर करने को बोलती हूँ और 2 मिनट लगा के देख लिया करो ऐसी वीडियोस भी क्योंकि मुझे पता है सबको फन चाहिए लेकिन फन से हटके किसी की मदद करना है क्योंकि यही काम आएगा आपके आखिरी में तो ये अब भैया को हम दे रहे हैं प्यारा सा तोहफा जिससे हमारे प्यारे से भैया ठीक हो जाएंगे मैं आपको दोबारा बता दूं कि जो नए लोग इस वीडियो को देख रहे हैं भैया का नाम है क्या नाम है आपका जतिन आपको दिक्कत क्या हो गई थी भैया मेरी किडनी खराब हो गई दोनों किडनी खराब हो गई भैया की लेकिन इनकी मदर डोनर है और दूसरी बड़ी बात वीडियो को इतना शेयर करना जिससे कि और लोगों की मदद हो जाए क्योंकि नीचे बारकोड फिर से मेंशन कर रहा हूँ क्योंकि हमारे पास लिस्ट बहुत बड़ी है लोगों की हेल्प करनी है लोगों के इलाज करवाने हैं किसी को कुछ प्रॉब्लम है किसी को कुछ दिक्कत है हार नहीं मानेंगे चाहे एक दिन में 3 इलाज कराने पड़े चाहे एक दिन में 3 स्कूटी देनी पड़े 3 व्हीलचेयर देनी पड़े लेकिन हार नहीं मानेंगे हम और दूसरी बड़ी बात अगर आपने पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो हल्की सी झलक देख लो भैया पहले हमारे पास आए थे 3-4 दिन पहले आए थे बस 3-4 दिन में भैया के पैसे का इंतजाम हो गया आपकी वजह से आपके आशीर्वाद से भैया की स्कूटी का इंतजाम हो गया और भी बहुत कुछ हम दिखाने वाले हैं करने वाले हैं 4-5 दिन का वेट करो और हाँ सैनिटरी पैड हर सोमवार 100 महिलाओं को इससे ज़्यादा लकी कौन हो सकता है लोग भगवान के पास जाते हैं मदद मांगने के लिए कि भगवान जी हमारा ये काम कर दो लेकिन सोचो भगवान ने हमें कोई इतना सा कुछ बनाया है कि कोई हमारे पास आया और हमारी वजह से हमने आपको वीडियो बनाई और आपकी वजह से इनका काम हो गया लिए तो भगवान भैया भगवान तो कोई भी नहीं हो सकता इस दुनिया में बस आप दुआ करो कि हम इतना कर दिया बहुत है बस ये अब तो आगे हम कुछ जनता तहलका भाई नहीं दीपिका बहन नहीं जनता को बोलो थैंक यू सबको दिल से शुक्रिया कि सबने इतनी हेल्प करी और मैं भी अगर ठीक होऊंगा ठीक होने के बाद मैं भी भैया की तरह इसी काम में जुड़ूंगा अरे वाह मैंने एक दिन आपसे बोला था मुझे एक बात पूछनी है भैया से पूछ लूं
जब भैया दोनों आपकी किडनी ठीक हो जाएंगी, एक होगी, एक ही 100 साल की उम्र दे देगी, तो आप सबसे पहले क्या खाना चाहोगे? पानी पीना चाहूंगा। पानी? अरे वाह, अभी पानी नहीं पी पाते हैं भैया। जो इंसान के अंदर पानी से बिना जी नहीं सकते, और मैं पानी नहीं पी पाता। सीख ले ले कुछ, इतना पैसे की बर्बादी करती है घर के अंदर, ये लेकर आना, वो लेके आना। अपने अपने एक भाई लग रहा था भैया बोलेंगे मैं मोमोज खाऊंगा, मुझे ऐसा नहीं। वो तेरे को तेरी फितरत पता लगी, जनता को भी को यही बात बोली थी। जिस दिन मेरा ऑपरेट होगा, डॉक्टर ने बोला 3 से 5 लीटर पानी पीना डेली का, मैं कहा मैं 10 लीटर पीऊंगा। अरे वाह, अरे वानी सीख ले कुछ। गाइस आज ही मैं तकड़ी कहेंगी, शक्कर गंदी, पानी पीते नहीं, काम में लगी रहती, अपनी जीवन खराब कर दी, इधर भागना उधर भागना। और पानी की ऐसा भाई साहब, अपनी बहन को अपने घर पे लेके जाओ, इसने तो घर उधर दुखी कर रखा। चल अपने घर, चल, किसी के सामने तमाशा मत कर यहाँ पर भैया, अपने घर ले जाओ सौरभ को यार। कोई बात नहीं, मेरी मम्मी तो बुला ही रही है, चलो मान गए। वो तो जाऊं क्या? अरे घर परेशान हो जाएगा, जा रही हूँ, फटाफट जा, नेक काम में तेरी मत कर, घर परेशान हो जाएगा। सोच लो, हंस के मत दिखा यहाँ पर, सोच लो जाऊं क्या। परेशान ना हो जाओ, अपनी बहन को घर लेके जाओ, और बहुत बहुत तमाशे हो गए हैं, इसको मैंने घर में रखना नहीं है भाई साहब, अपनी बहन को घर पे लेके जाओ। चलो, आपको लग रहा भैया इनकी जिंदगी चल जाएगी मेरे बिना? सवाल ही पैदा नहीं होता। लटक लटक के, लटक लटक के, समझ गया, लटक ही जाओगे भाई, ने जान दो, साथ में नहीं जा रही। लंबा जुड़ा, 1 2 3 4 5 6 7। उस दिन कितने पैसे दे दिए थे? 5,000 दिए थे ना भैया। भैया की बताए, एक बहुत अच्छी बात बताऊं बुढ़िया आपको, मैं वीडियो दोबारा सुनना पुरानी वाली, भैया ने कहा था मेरे को एक्स्ट्रा पैसे नहीं चाहिए, मेरे को जितने चाहिए उतने ही चाहिए। तक इनको 2-2.5 लाख रुपए के बारे में कुछ बोल दिया था। हाँ। तो मैंने उसी टाइम 5 मिनट बाद आपको कॉल करके बोला कि मुझे नहीं चाहिए। हाँ। मुझे वही चाहिए। तो वो इलाज आपका उनको पता नहीं होगा ना? देखो, आई लव यू सो मच, ये आपका तोहफा, जल्दी ठीक हो जाओ। ये 35,000। अरे वाह, 40,000। अरे भैया, अभी तो पता नहीं कितनी और मदद होने वाली है गुड़िया। मैं ना जब से मैंने ये संस्था स्टार्ट करी है तहलका भाई ट्रस्ट, मैं हर वीडियो में बोलता आ रहा था कि जितना मेरे पास धन है स्कूटी दूंगा, देता भी आया, जितना मेरे पास धन है एम्बुलेंस खड़ी करूँ कर दी, लेकिन जिस दिन खत्म हो जाएगा तो मेरे भाई बैठे हैं, तो मैंने आपसे एक दिन बोल दिया था कि जिस दिन पैसा खत्म हो जाएगा तो आप बैठे हो। चाहे हमारे पास 50 करोड़ भी आ जाएगा ना सन्नी, पर दुनिया में बहुत दुख है, तो दूसरों की मदद हमें जरूर बताना। आपकी सेवा करने का वहाँ पे अगर खुलेगा तो मुझे बताना, मेरे भाई। मैं फ्री में सेवा करूंगा। बस आप ठीक हो जाओ, ये सबसे बड़ी सेवा है इस टाइम आपके लिए। सो गाइस, मैं आप सबको एक चीज और बता रही हूँ, वीडियो को हमेशा देखा करो और शेयर किया करो, मदद करने से आपको जो सुकून मिलेगा ना, वैसा सुकून आपको पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। तो वीडियो को शेयर जरूर करना, प्लीज रिक्वेस्ट है, ऐसे कई लोग हैं। और एक और चीज सन्नी, बहुत सारे लोग क्या होते हैं, अब जैसे इनके परिवार वाले होंगे ना, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ परिवार वाले ऐसे होते हैं भैया, कि वो ना दूसरे को ऐसी नज़र से देखने लगते हैं कि वो मदद मांगने क्यों चला गया। तो सबके लिए, सबको मदद की जरूरत पड़ सकती है, प्लीज़ दूसरे को ना हौसला दिया करो, ऐसा ना बंदा कमज़ोर हो जाता है अंदर अंदर की। मुझे को बताया और मम्मी ने कैसे वीडियो आपने डाली थी वो पता चल गई, तो उसमें भी ट्रोल किया है मेरे को, है ना, करते हैं, बहुत करते हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, कुछ भी करो, अपनी जिंदगी आपको प्यारी है। उनको बोल देते ना, कुछ भी करो, तुम्हारे पास तो भाई क्या टाइम है, वेला टाइम है गाली लिखने का और पटांग के वर्ड लिखने का, किसी की मदद करना सीखो, किसी की जिंदगी बताना सीखो भाई। ट्रोल करना छोड़ दो, जिंदगी में ये सब नहीं जाने वाला, तो अच्छे काम जाएंगे। वीडियो को शेयर करना, ताकि ऐसे बहुत सारे लोग परेशान हैं, उन सबकी मदद हो सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू। जल्दी से जाओ अपने तहलका भाई को इंस्टाग्राम मैसेज करो। आप गाइस 3 महीने बाद वेट, 3 महीने बाद मैं भैया को ठीक देखना चाहती हूँ भैया। क्या बात है, मम्मी को लेके आना है, बिल्कुल हमारी संसार है। जो भाई जुड़ना चाहता है, मेरी इंस्टाग्राम नीचे आ रही है, मैसेज करो, जोड़ेंगे, आपका पूरा सर्वे करेंगे, चेक करेंगे, उसके बाद आपको जोड़ेंगे और टीम में बढ़कर हाथ बटाना, जिससे कि और लोगों की सेवा हम कर पाएं, क्योंकि टीम मेरी बहुत छोटी है, 100 भाई चाहिए जिससे कि पूरे भारत देश में जितने भी दुख है खत्म कर पाऊँ और जल्दी से जल्दी सबके चेहरे पर खुशियाँ लेकर आऊँ। बिल्कुल, थैंक यू सो मच।